हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने। तो ये हमारा वीडियो कन्या पूजन का है। तो कन्या पूजन के दिन ही हम जा रहे हैं सुबह सुबह मंदिर। माता जी को भोग लगाएंगे, तो हम भोग में दही जलेबी खिलाएंगे कन्याओं को। तो हम वही मंदिर जा रहे हैं। ये हम अपने घर के पास के मंदिर में जा रहे हैं, जो हमारे घर के पास में कामा देवी मंदिर है। हम वहीं पर जाएंगे और वहीं पर पूजा पाठ करेंगे, माता जी की पूजा करेंगे। और यहाँ पर सारे भगवान हैं, तो हम सबकी पूजा आराधना करेंगे, सबको भोग लगाएंगे। तो आप सब लोग देखिए, अभी हम पूजा की तैयारी घर से पूरी करके आए हैं, क्योंकि घर में भी पूजा होनी है। अभी तो आखिरी नवरात्र है आज, तो सबसे पहले हमारे यहाँ मंदिर की पूजा होती है, उसके बाद हम लोग कन्या पूजन करते हैं। ये हमारी माता जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, कामा माता का मंदिर है। तो यहाँ पर दुर्गा माता, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, राम भगवान, सीता, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, साईं बाबा, सभी लोग हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले मंदिर आते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई नवरात्र में कन्या पूजन करता है, तो सबसे पहले उसको मंदिर आना होता है। मंदिर में पहले भगवान का भोग लगाया जाता है, उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो आप लोग देखिए, हम मंदिर आ चुके हैं, पूजा करने जा रहे हैं और सभी भगवान को भोग लगा देंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम घर की पूजा शुरू करेंगे। तो आप सब लोग देखिए, मंदिर में माता जी के दर्शन करिए, सभी भगवान के दर्शन करिए, हम आपको सबके दर्शन कराएंगे। तो देखिए, भोले बाबा भी हैं यहाँ पर। अभी हम गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं, और ऐसे ही एक एक करके हम सारे भगवान की पूजा करेंगे, माता जी को भोग लगाएंगे, इनकी पूजा आराधना करेंगे। देखिए हमारी माता जी हैं, कितनी बढ़िया लग रही हैं, कितनी सुंदर हैं, लाल लाल लहंगे में कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में। तो ये हमारी माता जी हैं। तो अभी तो नवरात्रि चल रहे थे, तो इन्हीं के दिन चल रहे थे, तो यहाँ पर रोज़ भजन कीर्तन होते थे, बहुत अच्छा लगता था मंदिर में। आज आखिरी दिन है, तो देखिए सभी लोग आए हैं मंदिर पे, पूजा करके जा चुके हैं, प्रसाद सबका चढ़ा हुआ है, सब लोग प्रसाद चढ़ा गए हैं। सुबह के बज रहे हैं 8, तो हम 8 बजे आए हैं, और उससे पहले हमारे यहाँ इस मंदिर में बहुत सारे लोग पूजा करके जा चुके हैं, और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो अब हमारी पूजा हो रही है 8 बजे, तो हम माता जी की पूजा पहले करेंगे, उसके बाद घर में पूजा करेंगे। तो देखिए, आप लोग साईं बाबा के दर्शन करिए, राम जी के दर्शन करिए, कृष्ण जी के दर्शन करिए, हम आपको सभी के दर्शन करा रहे हैं। ये राम भगवान हैं, और ये हमारी कामा मैया हैं, जो कि कामा मैया प्राचीन समय में नीम की जड़ में थी, और अब वो नीम का पेड़ नहीं है, तो उन्हें उसी स्थान पर छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, और सभी लोग यहाँ पर आते हैं, इनके पिंड रूप के दर्शन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये कृष्ण जी की भी मूर्ति यहाँ पर है, हनुमान जी की भी है, और सारे देवी देवता यहाँ पर हैं, भोले बाबा भी हैं। तो हम सब लोग यहीं पे आते हैं, जब भी कोई पूजा पाठ करनी होती है, घर में पूजा होती है, या हम लोग मंदिर पे पूजा कराते हैं, तो हम सब लोग इसी मंदिर में आते हैं। ये हमारे मोहल्ले में भी पड़ता है, पड़ोस में पड़ता है, और बहुत ही सच्चा मंदिर है। यहाँ पर जो भी मन मन्नत सच्चे दिल से मानते हैं वो पूरी होती है। जो भी भक्त यहाँ पर श्रद्धा भाव से आता है और माता जी से विनती करता है, माता जी उसके झूले जरूर भरती हैं। तो हम सब लोग इस मंदिर की पूजा आराधना शुरू से ही करते आए हैं। ये बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, पता नहीं कितने साल पुराना ये मंदिर है, क्योंकि ये हमारी जो दुर्गा माता हैं, इनकी मूर्ति तो जल्दी स्थापित की गई थी, लेकिन हमारी जो कामा मैया हैं वो बहुत ही प्राचीन समय से हैं, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता है कि ये कामा मैया कितने वर्षों से हैं। तो ये मंदिर कामा मैया के नाम से ही जाना जाता है, इस मंदिर को कामा देवी मंदिर कहते हैं। तो हमारी माता जी की पूजा हो गई है, अब हम माता जी को भी भोग लगा देंगे, इनको फूल चढ़ाएंगे, इनको सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोग हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, हम आपको पूरा दिखाएंगे।